कोटा शहर में आज दो डेंगू और एक स्क्रब टाइफस के नए रोगी मिले हैं। वहीं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। गुरुवार को चिकित्सा विभाग की टीमों ने घरों में लार्वा मिलने पर 25 मकान मालिकों को नोटिस दिया। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि टीमों ने घरों में 34,419 पानी के जल पात्रों की जांच की थी। इसके साथ ही आज मेडिकल टीमों ने 3 निजी स्कूलों और स्टूडेंट स्टाफ और कोरोना की जांच की। कुल 135 सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं।